The next question we are having: in the center of a rectangular lawn of the dimensions 50 meter by 40 meter, a rectangular pond has to be constructed. हमें जो है गिवन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 50 मीटर बाय 40 मीटर. सो लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ वी विल टेक एज 40 मीटर. दिस हैज अ पॉन्ड, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड. इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड जो है दे हैव टू कंस्ट्रक्ट. सो ये पॉन्ड है and this is the garden. A rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. ye wala jo area hai this is surrounded by grass aur iska area hame given hai 1184 meter square. so hame kya find out karna hai, find the length and breadth of the pond. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता कि मतलब क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड क्या है. सो व्हाट वी विल डू कि हम अजम्पशंस ले लेंगे कि जो ये वाला एरिया है हमारा, दिस डिस्टेंस इज एक्स. अगर इधर ये एक्स है तो हेयर ऑल्सो इट विल बी एक्स एंड हेयर, क्योंकि ये हर तरफ से सेम है तो हर तरफ से ये डिस्टेंस हम एक्स लेके चलेंगे. सो हमें गिवन क्या क्या है, length of the rectangular lawn and breadth of the rectangular lawn. Listen to the statement once again. In the center of a rectangular lawn of dimensions 50 meter by 40 meter, a rectangular pond has to be constructed. ये पूरा क्योंकि इसके center में कर रहे हैं, that's why ये distance जो चारों तरफ से आया है ये हमने x लिया है. A rectangular pond is to be constructed. और rectangular pond जो हम construct कर रहे हैं उसके लिए condition हमें क्या given है, so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. अब area of grass जो है अगर मैं उसको देखूं तो this is area of garden minus area of pond. तो dimensions जो है वो हम लिख लेंगे. ये extra questions ही आपके चल रहे हैं. हमें given है length of rectangular garden, length of rectangular garden that is given to be 50 meter and breadth is 40 meter. Then pond जो है वो center में construct कर रहे हो, तो जो length of और breadth of pond लेके चलेंगे वो हम दोनों side से x जो है वो minus करेंगे. तो उससे पहले जो है वो हम mention कर देंगे, let the distance between the boundaries of the lawn and pond constructed. Let the distance between boundary of garden and pond. Boundary of garden or pond का जो इनके बीच का जो distance है ये हम मान लेते हैं all around is x. या ऑल अराउंड द पॉन्ड कर सकते हो, दैट इज एक्स मीटर. सो द लेंथ ऑफ पॉन्ड, देखो ये पूरी 50 है, 50 में से एक्स इधर से और एक्स इधर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वाली जो हमारी लेंथ आएगी दैट विल बी 50 माइनस एक्स माइनस एक्स, दैट इज 50 माइनस 2x. सो लेंथ ऑफ पॉन्ड विल बी 50 माइनस 2x एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड सेम वे में ये पूरी 40 है, एक्स इधर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड आएगी दैट विल बी 40 माइनस 2x. अब एरिया ऑफ ग्रास अराउंड द पॉन्ड हमें गिवन है 1184, तो एरिया ऑफ ग्रास अराउंड द पॉन्ड दैट विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड. एरिया ऑफ गार्डन यानी कि क्योंकि रेक्टेंगल शेप हमें गिवन है तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 50 इनटू 40
एंड एरिया ऑफ पॉन्ड लेंथ 50 माइनस 2x, ब्रेथ 40 माइनस 2x, तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये जो है दिस इज गिवन टू बी 1184, 1184. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 1184 इज इक्वल टू दिस विल बी 2000 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेना 2000, देन माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर, सो दिस इज 2000 माइनस 180x ये आप माइनस कर दोगे तो माइनस करके ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी सिंप्लीफाई करोगे ओवरऑल तो, या इकट्ठा ले आओ, ये ब्रैकेट्स आप खोल लो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे आपकी. तो माइनस 2000 माइनस 2000 आप कट कर दोगे, सो दिस इज सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू जीरो, सो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. फोर हर एक में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू जीरो. अब मुझे सम चाहिए 45 एंड प्रोडक्ट मुझे चाहिए 296, तो फैक्टर्स बना लेंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस 37 माइनस 8 कॉमन लेके दिस इज ऑल्सो एक्स माइनस 37, सो एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 37 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू 37. अब x इक्वल टू 37 हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम x इक्वल टू 37 यहाँ पे पुट करेंगे, लेंथ हमारी नेगेटिव आ रही है, सेम वे में ब्रेथ नेगेटिव आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है, लेंथ एंड ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 37 जो है दिस विल बी रिजेक्टेड. एज इट विल गिव नेगेटिव साइड, as it will give negative length and breadth. So negative length or breadth इससे हमें मिल रही है. So this will be rejected और x आप ले लोगे 8. अब उसने हमसे क्या पूछा था? Find the length and breadth of the pond. तो length and breadth of the pond आप निकाल लोगे, x equal to 8 put करोगे, तो length of the pond आ जाएगी 50 minus 16, that is 34. Breadth of the pond 40 minus 16, so that is 24. So 34 and 24 jo hai, that will be your answer. So this question you will complete yourself. Ye reject karke x equal to 8 yahan pe put karoge, so you will get the dimensions of the pond, length as well as breadth. Question dobara se sun lo. Question mein hame given tha ki ek rectangular lawn ya garden hai jiske in the center hame ek पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है. डायमेंशन जो है वो हमें लॉन की गिवन थी 50 एंड 40, और जो पॉन्ड के जो है चारों ओर का एरिया था, ऑल अराउंड दिस जो है ये ग्रासी एरिया है जिसका हमें एरिया गिवन था 1184 मीटर स्क्वायर. तो एरिया जो है दैट इज कवर्ड विद ग्रास इज एरिया ऑफ दिस गार्डन माइनस एरिया ऑफ दिस पॉन्ड. तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, एरिया ऑफ ग्रास अराउंड द पॉन्ड इज एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड. गार्डन की डायमेंशंस हमें 50 एंड 40 गिवन थी, तो रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया एरिया का फॉर्मूला. पॉन्ड के लिए हमने क्या किया, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है तो चारों साइड जो ये एरिया है, जो डिस्टेंस है, दिस विल बी टेकन एज एक्स. ये आप एक्स लेके चल रहे हो,
तो एक्स इधर से यानी कि जो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड है दैट विल बी 40 ओवरऑल टोटल था, 40 में से एक्स ये सब्ट्रैक्ट किया, एक्स ये सब्ट्रैक्ट किया, तो पॉन्ड की जो ब्रेथ है वो 40 माइनस 2x रह गई। सेम वे में लेंथ हमें ओवरऑल 50 गिवन थी, जिसमें से एक्स इधर से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे पास 50 माइनस 2x रह गया। तो एरिया ऑफ पॉन्ड अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन लेके दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट की 37 एंड 8 इसके फैक्टर्स बने। एक्स हमारे पास पॉजिटिव 8 एंड नेगेटिव 37 आया। एक्स जो नेगेटिव 37 है, पॉजिटिव 37 जो है इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि लेंथ ऑफ पॉन्ड और ब्रेथ ऑफ पॉन्ड अगर हम 37 पुट करते हैं एक्स को तो हमें नेगेटिव मिल रही है, विच इज इम्पॉसिबल। तो एक्स को आप 8 लेके चलोगे, इस एक्स की वैल्यू 8 आप यहाँ लेंथ और ब्रेथ में पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये आया हुआ है बोर्ड में। हमें गिवन है एट 2 मिनट्स पास्ट 2 PM, टाइम गिवन है कि 2 बज के इतने मिनट्स, 3 मिनट्स हो गए। तो एट 2 मिनट्स पास्ट 2 PM टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, 3 PM बनाने के लिए जो टाइम चाहिए दैट वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन T² बाय 4। तो जितना भी है कि 3 मिनट्स पास्ट 2 PM पे जो है टाइम हमें गिवन है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से समझो। हमें जो है मान लो गिवन है कि 2 बज के 10 मिनट हुए हैं, कि इट इज 10 मिनट्स पास्ट 2 PM। हमें ये जो है गिवन है कि 2 से 3 का टाइम मतलब हम लेके चल रहे हैं, कि इतने से इतने बजे की बात हो रही है। तो 2 टू 3 मिनट्स का अगर हम टाइम लेके चलते हैं तो इट मींस ओवरऑल जो हमारे पास टाइम है दैट इज 60 मिनट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि उसने कहा कि 2 मिनट्स पास्ट 2 PM, तो मान लो मैंने ले लिया कि इट्स 2:10, 2 बज के 10 मिनट हुए, तो अब 3 बजे तक का टाइम लेने के लिए इट मींस इसको ये अभी 50 मिनट्स का जो डिस्टेंस है अभी वो ट्रेवल करना है। 50 मिनट्स इसने वो डिस्टेंस जो है उसका मिनट हैंड है वो ट्रेवल करेगा, और टाइम कितना हुआ है 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये टोटल टाइम 2 से 3 PM का यानी कि 60 मिनट्स होगा। अब यहाँ वो हमें क्या कह रहा है, एट 2 मिनट्स पास्ट 2 PM, 2 मिनट्स पास्ट मीन्स ये हो गया, 2 PM जो है द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, इतना टाइम और चाहिए अभी टू शो 3 PM, तो कितना टाइम चाहिए दैट इज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन, 3 मिनट्स ये लेस है किससे, देन T² बाय 4। सो फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड T। तो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। दोबारा एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझ लो। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो टाइम हुआ है वो 2:20 हुए हैं। अब 2:20 से हमें 3 PM का टाइम अगर करना है तो इट मींस कि इसको इतना डिस्टेंस अभी और ट्रेवल करना है। तो 20 मिनट्स यानी कि हो चुके हैं, तो ये मैंने +20 कर दिया कि इतने मिनट्स हो चुके हैं। अभी इसको और कितने मिनट्स ट्रेवल करने हैं, 40 मिनट्स ट्रेवल करने हैं, तो टाइम टोटल कितना कवर होगा 60 मिनट्स का, क्योंकि 2 टू 3 PM हमारे पास 60 मिनट्स हैं। 60 में से 20 मिनट्स ये ट्रेवल कर चुकी है मिनट हैंड जो है, और 40 मिनट्स का जो डिस्टेंस है ये अभी इसको ट्रेवल करना है। तो एक जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें वो क्या कह रहे हैं, एट 2 मिनट्स पास्ट 2, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिया कि 20 मिनट्स पास्ट लिए मैंने एग्जाम्पल, तो इट मीन्स 3 मिनट्स हो चुके हैं। ये जो है
अगेन 60 के इक्वल रहेगा क्योंकि 2 to 3 PM के बीच में जो हमारा टाइम बनता है दैट इज 60 मिनट्स. इट मीन्स अभी इसको 40 मिनट्स का टाइम और ट्रेवल करना है टू मेक 1 आवर. और 40 मिनट्स में वो क्या कह रहा है कि टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वेयर बाय 4. यानी कि ये जो 40 मिनट्स उसने और ट्रेवल करने हैं वो इतना, यानी कि 40 मिनट्स अभी वो पीछे था 60 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इतना वो पीछे है. वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वेयर बाय 4. तो ये आपका जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ से, टी प्लस टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 60. तो इससे आप सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू. टी मिनट्स पास्ट जो है 2 PM, इतने मिनट्स हो चुके हैं, इतने अभी और मिनट्स अगर होंगे तो टोटल 1 आवर बनेगा. 1 आवर में वी आर हैविंग मिनट्स, 60 मिनट्स की क्योंकि बात कर रहे थे. टी मिनट्स डिस्टेंस वो कवर कर चुकी है, इतना डिस्टेंस उसने अभी और कवर करना है. तो उसने क्या कहा कि इतना टाइम अभी पड़ा है, 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4. तो ये रीराइट कर रही हूँ मैं, टी प्लस टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 60. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो दिस विल बी 4t प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 60. तो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 240. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सम हमें चाहिए 40 एंड द प्रोडक्ट वी नीड टू बी 252. तो 18 एंड 14 विल बी द फैक्टर्स. तो 18 और 14 आप फैक्टर्स बना लोगे. तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा. तो t माइनस 14 एंड t प्लस 18. तो t इक्वल टू 14 और माइनस 18. माइनस 18 जो है दैट विल बी रिजेक्टेड एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. तो t इक्वल टू 14 यानी कि जो प्रेजेंट टाइम था वो दैट इज 14 मिनट्स पास्ट 2 PM. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. In this question, if any doubt is there, then you can ask for the doubt. Otherwise, अब हम next question कर रहे हैं. Now, in the next question, we are having 1/4 of a group of students claim that they are creative. एक group of students हमें given है जिसका 1/4 जो है वो कहते हैं कि वो creative हैं. Twice the square root of the group which claim to be caring. जितना मतलब है students का total कह लो, तो उनका जो है twice का square root. Twice the square root of the group claim to be caring. वो कहते हैं कि हम caring हैं. And the remaining 15 claim they are optimistic. और जो बाकी 15 रह जाते हैं वो कहते हैं कि हम optimistic हैं. Same type का question as a herd of camel भी काफी जगह काफी books में given है. तो you are to do that. So we are to find out how many students in the group are creative. कितने students जो हैं वो creative हैं. अब देखो जो है हमें given है कि कितने स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं वो हमने निकालना है. वी आर टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन वी आर टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द ग्रुप आर क्रिएटिव. तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स मान लेते हैं. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. अकॉर्डिंगली जो जो हमें गिवन है हम वो एज्यूम कर लेंगे. लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is x. अब वो क्या कह रहा है कि
जो नंबर ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट हैं दैट इज 1/4 ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 1/4 ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लेम दैट दे आर क्रिएटिव. तो नंबर ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट्स दैट इज 1/4 ऑफ एक्स. उसके बाद वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लेम टू बी केयरिंग दैट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रुप. तो नंबर ऑफ caring students that is twice the square root of the group. और third क्या है, number of optimistic students. कितने students हैं जो कहते हैं कि हम optimistic हैं, तो number of optimistic students is 15. अब जो हमें ये गिवन है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक्स ही रहेंगे, जिसमें से 1/4 कहते हैं हम क्रिएटिव हैं, रूट ट्वाइस ऑफ रूट कहते हैं हम केयरिंग हैं, बाकी 15 जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं. यानी कि जो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है. तो इट मीन्स जो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस 2√x प्लस 15. अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये बन जाएगा आपका 4x is equal to x plus 2√x plus 15. So rewrite कर लेंगे 3x minus 2√x minus 15 is equal to 0. अब यहाँ पे this is a quadratic equation क्योंकि यहाँ पे x की पावर डबल है यहाँ वाली x की पावर से. यहाँ x की पावर हाफ है, हाफ का डबल अगर आप करोगे x की पावर 1, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो. दो मेथड्स हैं आपके पास, रूट x को आप t पुट कर लोगे तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t. पर अगर हम उस तरीके से देखें तो वो वाला जो है हमारा मेथड वो डिलीटेड वन काउंट हो रहा है. तो आपने इसको सिंपली जो है करना है, सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x और 15 जो विदाउट रूट वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लेंगे और जो 2√x है उसको आप दूसरी तरफ रख के एंड देन यू विल प्रोसीड. अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है. व्हाट इज दैट मिस्टेक? वन मिस्टेक आई हैव मेड ओवर हियर इन दिस. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. जस्ट टेल मी व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड. You are to find the mistake in the second last step. Just a moment, Rishit. You can unmute yourself, Rishit. मैम आपने LCM नहीं लिया? मैंने ये वाला 4 इधर multiply कर दिया without taking the LCM. तो यहाँ पे this will be 8√x and here it will be 60. तो accordingly ये हो जाएगा आपका 3x minus 8√x minus 60. So, अब हमने क्या करना है, 3x और जो 60 है माइनस के साथ इनको एक तरफ रख लेंगे और 8√x को दूसरी तरफ रख के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे. दिस विल बी 3x माइनस 60 होल स्क्वायर. क्वाड्रेटिक बना रही हूँ मैं इसको. 8√x स्क्वायर, सो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 360x and this is equal to 64x. x value terms एक तरफ रख लो, सभी terms जो हैं हम left पे ले आएंगे and then we will proceed. So this will be 424x plus 3600. अब product मुझे चाहिए 3600 into 9 and the sum should be 424 with minus sign. तो factors आप इनके बना लेंगे. factors आपके बनेंगे 324 and 100. So 324 and 100 will be your factors. Simplify करोगे, आपके पास x की दो values आ जाएंगी. One will be 36 and the other will be 100 upon 9. अब x हमने क्या assume किया है, that is the number of students, so it cannot be in fraction. तो ये value आपकी reject हो जाएगी. x की value आपकी क्या रह जाएगी, 36. उसके बाद उसने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद उसने पूछा था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 36.
उसने पूछा था नंबर ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट्स इज एक्स बाय फोर, दैट इज 36 बाय फोर, 9 आ जाएंगे. सेम वे में अगर वो पूछता है नंबर ऑफ केयरिंग स्टूडेंट्स, दैट विल बी 2 रूट एक्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ रूट 36, तो दैट विल बी 12. बाकी हमें 15 गिवन ही है. तीनों का अगर आप सम टोटल लोगे तो दैट इज इक्वल टू 36. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फॉर द डाउट. Now we are having the next question. Next question में वो हमें कह रहा है कि a farmer has two square plots. एक farmer है जो उसके पास दो square plots हैं, जिसके accordingly वो क्या given condition है उसमें. Sum of areas of the two square plots is 15,425 meter square and the difference of their perimeters is 60 meter. हमें सम ऑफ एरियाज गिवन है एंड डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ बोथ द प्लॉट्स गिवन है. वी आर टू फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द प्लॉट्स. तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्लॉट्स हमें गिवन है, प्लॉट्स की जो शेप है वो स्क्वायर गिवन है. तो फर्स्ट वाला जो प्लॉट है वो हम एक्स यूनिट मान लेते हैं उसकी साइड को. जो सेकेंड वाला प्लॉट है उसकी साइड को हम वाई यूनिट मान लेते हैं. तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर प्लॉट्स. तो एरियाज का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें गिवन है और दूसरी तरफ हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स. तो लेट द साइड ऑफ द लार्जर प्लॉट बी एक्स एंड द स्मॉलर प्लॉट बी वाई. तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा आपका. Let the side of larger plot be x and smaller plot be y meter. Ab according to question, sum of the areas of both the plots is given to be 15,425. तो क्योंकि एरिया का सम गिवन था, एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो दैट इज साइड इनटू साइड. उसके बाद वो कह रहे हैं एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 60 मीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स साइड. तो डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज गिवन टू बी 60. हमने लार्जर एक्स माना है तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 4x माइनस 4y. सो दिस विल गिव मी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15. तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका 15 प्लस वाई. एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. सो दिस विल बी 15 प्लस वाई होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर था तो 15 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15,425. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 225 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15,425 इक्वल टू जीरो. सो दिस विल बी 2y स्क्वायर प्लस 30y. माइनस कर दोगे इसको तो दिस विल बी 15,200. तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये. नाउ मेक द फैक्टर्स. y आ जाएगा, y की वैल्यू उसमें पुट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. y आपकी दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से, माइनस 95 एंड 80. जब आप इसके फैक्टर्स बना लोगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे. वी विल बी लेफ्ट विद द पॉजिटिव वैल्यू ओनली. y इक्वल टू 80 आ जाएगा. 80 आप यहाँ पे पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 15 प्लस 80 95 आ जाएगा. So they have asked for the sides of both the plots. So we have got the sides of both the plots. So this was your question. Now moving on to the next question. In the next question, we are having a charity trust decides to build the prayer hall having a carpet area of 300 square meter. With its length 1 meter more than twice its breadth. Area of carpet हमें given है 300 square meter
और उसकी डायमेंशन हमें क्या कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर है. इट मींस ब्रेड्थ से अगर हमारे पास ब्रेड्थ आ जाती है तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कारपेट. तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट इज एक्स यूनिट्स, मीटर्स में गिवन है, क्योंकि 300 स्क्वायर मीटर गिवन है. तो लेंथ को भी हम मीटर में लेंगे और ब्रेड्थ को भी मीटर में लेंगे. तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट इज एक्स मीटर. तो लेंथ जो है वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द कारपेट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो दिस इज 2x+1. अब एरिया जो है इसका कितना गिवन है हमें, 300 मीटर स्क्वायर गिवन है. तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो 300 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x+1. दिस इज 2x² + x. रीराइट कर लेंगे. अब फैक्टर्स बना लो एंड यू विल गेट योर आंसर. सम हमें चाहिए 1 और प्रोडक्ट हमें चाहिए 600. तो 25 एंड 24 बनेंगे इसके फैक्टर्स. तो एक्स की वैल्यूज आएंगी हमारे पास 12 एंड -25/2. सो अगेन दिस विल बी रिजेक्टेड एज अ साइड कैन नॉट बी ब्रेड कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x इज इक्वल टू 12. अगर आपको ब्रेथ गिवन है तो लेंथ जो है दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ दिस. तो 2 टाइम्स 12 + 1 दैट इज 25 मीटर. तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 12 मीटर एंड द लेंथ इज 25 मीटर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू अ डे आफ्टर टुमारो. सो इफ एनी डाउट इज देयर देन आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स. अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग एज द टाइम इज ओवर. एनी डाउट्स यू कैन आस्क फॉर द डाउट्स.